Good afternoon, viewers. Today, Nirog State FB Live session is on the topic PCOS, and we are glad to have Dr. Seeman Babadekar, MS Obstetrics and Gynecology, as a speaker for our today's live session. I welcome ma'am and request her to start with her presentation on the live session. Hello, guys. आज हम PCOS टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सबसे पहले निरोग स्टेट को थैंक्स कहना चाहूँगी. उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आके मेरे PCOS रिलेटेड जो कुछ व्यूज़ है वो आपको बताने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. PCOS मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जो आजकल हमें बहुत ही ज़्यादा रेशो में यहाँ पे दिखाई देने लगा है. इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है. लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसका अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़ोर से शुरू होता है. सेप्टेम्बर मंथ इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज अवेयरनेस मंथ, जो कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है. पॉली मीन्स मेनी एंड सिस्ट मीन्स फ्लूइड फिल्ड सैक. सो PCOS इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक इन अ ओवरी. अब हम कहेंगे कि ये डिसीज बहुत नया है और इसका अभी अभी ये सबको पता चलने लगा है, तो मुझे एक बताने में आपको बहुत खुशी होगी कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही इसका वर्णन किया गया है. आदरणीय काश्यप जी ने इसका वर्णन रेवती कल्पाध्याय में पुष्पग्नि जाता हरणी इस चैप्टर के अंडर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हर महीने एक पुष्प बाहर तो निकलता है लेकिन वो निष्फल हो जाता है. सो हम पॉलीसिस्टिक में जो सिम्टम्स देखते हैं कि अनार्तव या इरेग्युलर मेंसेस, उसी से ये कोरिलेट किया गया है. और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताया गया है, तो पुष्पग्नि जाता हरणी के लिए भी कोई निदान मीमांसा दी नहीं गई है, जो कि दैवी इस टॉपिक के अंडर हम देखते हैं, जिसका स्पेसिफिक कोई निदान ही उसमें नहीं आता है. दिस सिस्ट ऑकर्स व्हेन द रेगुलर चेंजेस हैपन्स इन द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. और हमें पता चलता है कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि जैसे कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, जिसे हम अनार्तव कहते हैं, या इरेग्युलर मेंसेस है, बीपी रेज हो जाता है या शुगर लेवल में इम्बैलेंसेस दिखते हैं, उसके बाद वेट गेन अननेसेसरी होता है, एक्नेज आ जाता है, पिंपल्स जिसमें वाइट प्यूशुल्स भी दिखते हैं, और हिर्सुटिज्म जो कि आजकल की लेडीज में बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं, जिन्हें जेंट्स की तरह ही चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि सिर्फ लड़कों में दिखाई देते हैं. लड़कियों के चेहरे पे अक्सर बाल नहीं होते, लेकिन आजकल पार्लर में लड़कियां जाती है और वैक्सिंग या किसी और तरीके से वो बाल हटवाती है, बट उसके पीछे ये नहीं सोचती है कि शायद हम इस डिसीज से सफ़र हो रहे हैं. उसके बाद मूड स्विंग्स, जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देती है लड़कियों में या वर्किंग वूमेंस में भी. हमें लगता है कि ये काम के प्रेशर के अंडर में ये सब हो रहा है. नो डाउट स्ट्रेस ये उसके पीछे रीजन तो है ही, बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस बताए गए हैं, उसकी वजह से PMS मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो उसमें आते हैं वो, और इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, उन्हें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि मूड चिड़चिड़ा होना, गुस्सा ज़्यादा आना, और बाकी सारे इंक्लूडिंग जेलसी, ग्रीड, एंगर, ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली समस्या जो है वो लॉस ऑफ हेयर ऑन स्काल्प मीन्स मेल पैटर्न बाल्डनेस PCOS में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और थीनिंग ऑफ हेयर, बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं. इसके पीछे के कॉजेस अगर हम एलोपैथी वाइज देखने जाएंगे तो उसमें है डर्टी फूड्स हैबिट्स, जिसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, जो कि आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है और हमारी जो यंग एज टीनेजर गर्ल्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रोन है. प्रिजर्व फूड है, रिफाइंड शुगर है, उसके बाद टू मच रेड मीट ईट का जो संख्या बताई गई है वो है, अल्कोहल ऑफ कोर्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेसिव संख्या में, उसके बाद डीप फ्राइड फूड, इस सब की वजह से. अब आयुर्वेद के दृष्टि अगर देखेंगे तो योनि व्यापद में मैंने जैसे बताया वैसे पुष्पग्नि जाता हरणी के अंडर और प्रदुष्ट आर्तव, इन तीनों में भी कहीं कहीं ये सारे सिम्टम्स जो हमने पीछे देखे हैं वो दिखाई देते हैं. तो इसका सबसे मेन आयुर्वेदिक दृष्टि अगर हम देखेंगे तो उसमें है कि रजस्वला काल जो है उसके नियम जो बताए गए हैं वो फॉलो नहीं किए जाते आजकल, तो उसकी वजह से PCOS का प्रमाण आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
उसके बाद हेवी वर्क ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसमें स्ट्रेनस वर्क होगा या और भागदौड़ वाली जिंदगी आजकल की, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस है और जेलसी, ग्रीड, एंगर और बहुत ज़्यादा एंजाइटी ड्यू टू वर्क होगा या और किसी रीजन की वजह से होगा। उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यू टू प्रीपोन और पोस्टपोन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। निसर्ग ने हमें जो साइकिल प्रदान की गई है, जो 28 से 30 दिन के बाद साइकिल आती है और उसके बाद अपने आप नेक्स्ट मंथ उसी समय में यह आनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई प्रोग्राम है या कोई और चीज़ है, किसी को खेल के लिए बाहर जाना होता है या किसी और काम के लिए जाना होता है, तो हम गोली लेके या हार्मोन्स डिस्टर्ब करके प्रीपोन और पोस्टपोन करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इंक्रीज्ड मेल हार्मोन ड्यू टू एनी हाउ एनी रीज़न मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होगा तो वो शरीर में आजकल बढ़ने लगा है, जबकि हम हार्मोनल ऐसे करते हैं तो इसमें इसका रेशो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है। और हमारी आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें कि हम एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, टाइम की वजह से होगा या और किसी रीज़न की वजह से होगा, तो इस सारी चीज़ों की वजह से PCOS का प्रमाण आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका डायग्नोसिस अगर हमें करना है तो आप नो डाउट अपनी आयुर्वेदिक केस पत्रिका जो रहती है, रुग्ण पत्रिका जो रहती है, उसके पॉइंट से हमारा निदान आप पक्का कर सकते हैं। एक्सपर्ट की एडवाइस उसमें लेना बहुत ज़रूरी है। आप हार्मोनल ऐसे करेंगे तभी आपको उसका पता चलेगा। और सब में ज़्यादा ज़रूरी है सोनोग्राफी करना, सोनोग्राफी से हम इसका निदान और भी ज़्यादा पक्का कर सकते हैं। उसमें प्रिकॉशन लेना क्या ज़रूरी है कि मेरे हिसाब से अगर आप आयुर्वेदिक दृष्टि बताई गई रजस वाला परिचर्या अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस है, ना कि सिर्फ PCOS लेकिन इंक्लूडिंग PCOS, आप PCOS उसको आप दूर रख सकते हैं। पूरा महीना नहीं होगा आपसे, लेकिन कम से कम 5 दिन जो जिसमें ब्लीडिंग होता है वो 5 दिनों तक तो आपको कम से कम जो नियम दिए गए हैं रजस वाला परिचर्या वो फॉलो करने चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी उसके साथ संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस को लेडीज़ आजकल की प्रोन हो रही है, वर्किंग वुमेंस की संख्या बढ़ रही है, सो अपने आप पे ध्यान देना आजकल पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसमें से छोटा से छोटा सिम्टम्स भी अगर आप में दिखाई देता है तो आपको उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा लॉस ऑफ हेयर या मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो पोल्यूशन या बहुत हेवी जो हम शैम्पूज यूज़ करते हैं या केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी बालों में थिनिंग आना शुरू हो गई है, लेकिन ये सिर्फ उसका रीज़न भी नहीं हो सकता है, PCOS की वजह से भी ये हो सकता है। हमने देखे हुए सिम्टम्स में से 2 से 3 सिम्टम्स से ज़्यादा सिम्टम अगर हमें दिखाई देते हैं तो हम PCOS को प्रोन है ये ध्यान में लेना चाहिए, और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि जीनोइस्ट्रोजन जो है, जीनोइस्ट्रोजन इज़ ए टाइप ऑफ इस्ट्रोजन ही है, लेकिन वो हमारी बॉडी के नेचुरल इस्ट्रोजन को मिमिक करता है उसके फंक्शन को, और ये बहुत ही नेचुरल वे से हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, जो कि दैवी कारण बताए गए हुए हैं कि जिसमें कोई किसी भी प्रकार का योनि दोष नहीं है, आर्तव दोष नहीं है या आपके नेचुरल क्रोमोसोम्स में से भी कोई बिगाड़ नहीं आप में आया है, लेकिन फिर भी PCOS हो रहा है, ये सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जो कि आयुर्वेद में दैवी कारण बताया गया है तो अभी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल में जो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ सामान हम लोग खा रहे पी रहे, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि हम देखेंगे कमर्शियल मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो रहे, तो उससे भी जीनोइस्ट्रोजन हमारे शरीर में जाते हैं। और जीनोइस्ट्रोजन सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे अफेक्ट करते हैं, और हाइपोथैलेमस से HPO एक्सेस डिस्टर्ब होने के बाद हमारे पूरे मेंस्ट्रुअल बैलेंस तो बिगड़ जाना निश्चित ही है। उसके बाद माइक्रोवेव में जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, मैं मेंशन करना चाहूँगी कि माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक भी इसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको ग्लास फ्लास्क ही यूज़ करना चाहिए। बेबी में जो हम बॉटल्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, वो भी बहुत हार्मफुल है, जिससे जीनोइस्ट्रोजन इजीली बॉडी में एंटर करते हैं। उसके बाद जो कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जिसपे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी इसका एक रीज़न है। सिंथेटिक हार्मोन्स, हम जो केमिकल चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक अपने डेली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसमें से भी ये इनहेल हो रहे हैं जीनोइस्ट्रोजन, या स्किन थ्रू एब्सॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद हम डेली जो प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं उसकी वजह से, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस टॉयज़,
ये भी तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगेन हम अपने आयुर्वेद शास्त्र के पास बहुत ज्यादा जा रहे हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि मृत्तिका ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जिसमें पंच महाभूत के गुण हैं जो आपको अपने नैसर्गिक चीजों से हमेशा कनेक्ट रखता है और जो बॉडी का बैलेंस करता है। सो कुछ नेचुरल चीजें हैं पीसीओएस से आपको दूर रखने के लिए। सो उसमें सब में पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको हेल्दी फूड हैबिट्स होनी चाहिए, जो कि आपका आहार है वो किसी भी अच्छा होना चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ठीक तरह से आपके बॉडी को जो सूट कर रहा है वो होना चाहिए। एक अवॉइड एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स भी, उसमें जीनोइस्ट्रोजन भी आएगा या पिल्स वगैरह ये सारी चीजें भी आएंगी। मासिक स्राव जो है या मेंसेस जो है वो बहुत ही नेचुरल चीज है, हर महीने वो आने ही वाली है। उसको डिस्टर्ब करना या निसर्ग के विरुद्ध जाना ये बहुत ही गलत चीज है और आयुर्वेद इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है। आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए ड्यू टू एनी हाउ एक्सरसाइज करके, योगासन प्राणायाम थ्रू, लेकिन वो इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों भी स्ट्रेस से पीरियड के दरम्यान बहुत दूर रहना चाहिए, जो कि हमने रजस वाला परिचर्या में मेंशन किया गया है। वो सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिंस, आयुर्वेदिक रेमेडीज में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके रसद पे काम करने वाली, रसद धातु पे काम करने वाली औषधियाँ या पाचन करने वाली औषधियाँ, इवन सिस्ट डिजोल्व करने वाली भी बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में अवेलेबल है। सो उसे फॉलो करना चाहिए, जो कि आपके शरीर को कोई भी हार्म नहीं करती है। पंचकर्मा दिस इज वेरी बेस्ट रेमेडी, जो हमें बॉडी क्लीनिंग में सारी टॉक्सिन्स जो शरीर में सेचुरेट हो रही है या किसी भी अवरोध की वजह से अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो स्राव वो अवरोध दूर करने के लिए पंचकर्मा कराना बहुत जरूरी है, जिसमें वमन भी बताया गया है, विरेचन भी बताया गया है और बस्ती चिकित्सा भी इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, इसमें बहुत अच्छा रोल करती है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम देखेंगे तो खाने पीने का ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए, ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, एक ही समय में बहुत ज्यादा खाना या इजीली अवेलेबल हो रहा है इसलिए जंक फूड फास्ट फूड खाना हमें अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ग्लूटिन फ्री फूड हमें खाना चाहिए। एड स्पाइसेस इन योर रूटीन फूड। हमारे घर का मसाले के डिब्बे में ही बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको पीसीओएस से दूर रखती है, जैसे कि दालचीनी है, कड़ी पत्ता है या आपकी हल्दी है और हींग। हींग भी पीसीओएस में इंक्लूडिंग डिसमेनोरिया में इसका बहुत अच्छा रोल है। स्पाइसी ऑयली, स्पेशली हम हॉस्टल गोइंग स्टूडेंट जो होती है, जो जिनको हॉस्टल के मेस की सब्जी पसंद नहीं आती है, सो दे आर शिफ्टेड ऑन पिकल एंड पापड़, सो उनको ये अवॉइड करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये ही एज ग्रुप है जो पीसीओएस को ज़्यादा प्रोन हो रहा है। और पीसीओएस का सब में बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो आजकल हम देख रहे हैं, जो ये सारी जो संख्या है ये वंध्यत्व की तरफ झुक रही है। जाते हैं हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स बहुत सारे नॉर्मल आते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो उसमें पीसीओएस ये सब में बड़ा रीजन है, जो हर टाइम आपको सोनोग्राफी में सिस्ट दिखाएगा ही या नहीं दिखाएगा नहीं पता, लेकिन इसके सिम्टम्स आप में प्रेजेंट जरूर होंगे। ये एज नहीं होता कि लड़कियां उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है कि चलो मेंसेस नहीं आ रहा, ठीक है 2 महीने नहीं आ रहे, कभी कुछ घर में है फंक्शन आ गया पोस्टपोन कर लिया, तो इस बातों के ऊपर वो ध्यान नहीं देती। शादी के बाद जब 2 साल के बाद भी, रेगुलर इंटरकोर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तब उन्हें इसका रियलाइजेशन होता है कि शायद कुछ गड़बड़ बॉडी के अंदर हो रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, और तब जाके हम सब सारे टेस्ट कराते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो इनफर्टिलिटी की तरह झुक जाता है और इसका सब में आजकल बड़ा रीजन जो है वो पीसीओएस दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें वॉकिंग एक्सरसाइज सब में अच्छा है। योगासन, सूर्य नमस्कार का तो आपने देखा होगा कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस दिखाई दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, इसलिए सूर्य नमस्कार करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 3 सूर्य नमस्कार से शुरू करके 12 सूर्य नमस्कार तक आप आराम से कर सकते हो धीरे धीरे, सिर्फ ड्यूरिंग मेंसेस आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना मना है, तो मेंसेस के दौरान आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जायी प्राणायाम, कपालभाति का बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस पीसीओएस में दिखाई दिया है और उसका महत्व नमूद भी किया गया है। पंचकर्म में मैंने जैसे बताया वैसे बॉडी क्लीनिंग, रिज्यूनेशन, जिसका बहुत ज्यादा फायदा पीसीओएस में होता है,
और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो रेमेडीज हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, योनि व्यापद में होगी या आर्तव दोष में लिखी होगी, वो आपको उस हिसाब से कैटेगराइज करके आपका पेशेंट जिस किसी ग्रुप में हो रहा है, हर किसी पीसीओएस के पेशेंट को आप सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन रस धातु पे काम करना बेसिकली बहुत जरूरी है। उससे बहुत सारे सिम्टम्स पीसीओएस के दूर होते हैं। हिर्सुटिज्म पे भी पीसीओएस अपनी जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छी काम करती है। मतलब पेशेंट्स ये फीडबैक देती है कि हमें हर 15 दिन के बाद पार्लर जाके वैक्सिंग कराना पड़ता था, लेकिन आफ्टर बस्ती या आफ्टर विरेचन वो नहीं कराना पड़ता है। सो पंचकर्मा इज द ये बेस्ट ऑप्शन है पीसीओएस के लिए। मैं कुछ योगासन के नाम बताना चाहूंगी। एक है सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसका बड़ा बेनिफिशियली रोल है इसमें। अर्धमत्स्येंद्रासन है, उष्ट्रासन है, फिर वज्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है। ये सारे आसन अगर आप देखेंगे तो इसमें अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर आता है, थोड़ा सा उस पे जो दबाव पड़ता है, जो कि वहाँ के सारे सेंसेस या प्लेक्सेस को इफेक्ट करके वहाँ की कार्य बढ़ाने में मदद करता है। बद्धकोष्ठासन है, पद्मासन है, सुप्त बद्धकोष्ठासन, ये सारे आसन आपको अपने पेशेंट्स को जरूर बताने चाहिए, जो कि हार्डली जिसे करने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। आजकल पेशेंट को आधा घंटा भी खुद के लिए देना बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है। ड्यू टू जॉब होगा, उसका सारा वर्क फैक्टर होगा, लेकिन कम से कम योगासन करके तो हम अपनी हेल्दी लाइफ, इससे हेल्दी लाइफ की ओर हम जा सकते हैं। प्राणायाम में मैंने आपको बताया भ्रामरी, उज्जायी, फिर से एक बार बताती हूँ, अनुलोम विलोम और कपालभाति का बहुत ज्यादा महत्व पीसीओएस में दिखाई दिया है, जो कि हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ी के ऊपर काम करते हैं और जो कि कनेक्टेड टू ओवरीज वो उसका काम अच्छे से बढ़ाता है। ये हो गई हमारी पीसीओएस की जनरल इंफॉर्मेशन। सो मैम, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन है डॉक्टर नूर मोहम्मद का, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस, वेरी गुड क्वेश्चन। हेलो सबसे पहले, और एंडोमेट्रियोसिस के लिए अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है तो इसमें यष्टिघृत बहुत अच्छे से काम करता है। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स बहुत आजकल वेरी होते हैं, सोनोग्राफी में भी इसके बहुत सारी वेरिएशंस दिखते हैं, लेकिन आप इसमें विरेचन ट्रीटमेंट जरूर फॉलो करना। बृहत विरेचन का एंडोमेट्रियोसिस में बहुत अच्छा रोल दिखाई देता है, जिसमें आप अपने सोनोग्राफी के रिपोर्ट में भी वेरिएशंस देखने में मिलते हैं। विद इन आपका विरेचन होने के बाद ही तुरंत, आप संसर्जन क्रम करने के बाद अगर पेशेंट को विरेचन अगर सोनोग्राफी करने के लिए बताते हो तो बहुत सारे सिम्टम्स इसके कम होते हैं, उसके मेंसेस में भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। और यष्टि मधु घृत का इसमें रोल बहुत ही, इवन आप यष्टि पाउडर या यष्टि रिलेटेड अगर आपको कोई कल्प मिले तो आप एंडोमेट्रियोसिस में जरूर यूज करना। वी हैव अनदर क्वेश्चन, एक और एक क्वेश्चन है डॉक्टर अभिषेक जी का। हाउ कैन वी ट्रीट पीसीओएस दैट ऑकर्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस? हार्मोनल इम्बैलेंस, कौन से हार्मोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है, लेकिन डॉक्टर मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगी, अगर आप आयुर्वेदिक दृष्टि उनका केस पेपर ले ले और उनके सिम्टम्स जो कुछ देखेंगे और अगर उसमें बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है कि अनार्तव है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस है या इरेगुलर मेंसेस है, तो जैसे आप मेंसेस के ऊपर काम करना शुरू करोगे तो अपने आप से ही उसके हार्मोन में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं। तो आप हार्मोनल थेरेपी को दूर रख के आप उसके सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, उसका निदान पक्का करें, और फिर उसको जब मेंसेस रेगुलर आएंगे, जो कि नेचुरल बताया गया है 28 to 30 days में साइकिल आना जरूरी है, उसके बाद का ओवुलेटिंग पीरियड जो होता है, ये सारी साइकिल अगर उस लेडी की रेगुलर रहेगी तो वो बहुत सारे सिम्टम्स से दूर रहेगी। तो आप अगर मेंसेस रेगुलर आते हैं तो उनका हार्मोनल ऐसे जो है वो पक्का जरूर नॉर्मल आएगा ही। सो आप सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा काम करें अकॉर्डिंग टू माय। थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन है डॉक्टर धनंजय बैरागी डॉक्टर का, व्हाट टू डू इन अनओव्यूलेटरी साइकिल्स? ओके, अनओव्यूलेटरी साइकिल के ऊपर आपको अपान वायु के क्षेत्र में काम करना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, ये सब कुछ जो है वो अपान वायु के क्षेत्र में आता है। अनओव्यूलेटरी साइकिल में हमें सब में ज्यादा बेनिफिशियल जो दिखाई दिया है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके मसाले के डिब्बे में ही एक मेडिसिन है जो कि हींग जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज आप अपने रेमेडीज में कर सकते हो। और बस्ती चिकित्सा मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी, सहचरादि तेल का बस्ती अनओव्यूलेटरी साइकिल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
सो आप उसका योग क्रम से बस्ती दीजिए, काढ़ा और तेल, उसमें सहचरारी तेल यूज कीजिए, जिसका फैंटेस्टिक रिजल्ट आपको ओवुलेटरी साइकिल में दिखाई देगा। मुझे लगता है आपने जो अभी आंसर किया, वी हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, कैन वी इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन बाय आयुर्वेदा ड्रग्स? या लेकिन इसमें बहुत सारे बाकी चीजें भी मैटर करती है। ओवुलेशन का स्टडी आप अगर करते हुए कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देती है, तो मैंने जैसे आपको कहा, सबसे पहले आपको उनके मेंसेस के ऊपर काम करना चाहिए। मिनिमम 3 महीना उन्हें साइकिल्स रेगुलर आने चाहिए, अगर उन्हें मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। अगर मेंसेस रेगुलर आती है तो उनकी ओवुलेशन 14, 16 या 15 डे या उस पीरियड में 18 डे तक तो होना ही होना है। लेकिन वंस अगेन मैं ये फिर से बताना चाहूंगी कि आप इसमें अगर बस्ती का प्रयोग करते हैं बिफोर कंसेप्शन, वो मतलब कंसेप्शन के लिए आपके पास आती है, वो कंप्लेन बताती है, तो दोनों की शुद्धि कराना इसमें बहुत जरूरी है। बस्ती का इसमें बहुत अच्छा रोल बताया गया है। बस्ती इस पे अपान क्षेत्र में ही ये जल्दी काम करती है, तो आप इसमें बस्ती ट्रीटमेंट दीजिए। तो बस्ती का रोल इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको फॉलिकुलर स्टडी में आपके बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। आपने जैसे आपके प्रेजेंटेशन में बताया था कि आयुर्वेदा के अनुसार हमको पीरियड्स डिले नहीं करने चाहिए, प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं करने चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर है, डॉक्टर ईशा अनेजा, उनका क्वेश्चन है आयुर्वेदिक मेडिसिंस यूज करके हम मेंसेस डिले कर सकते हैं क्या? आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करके भी हमें मेंसेस डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एक साइकिल जो बताई गई है वो आयुर्वेद के, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक संहिता पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे भी आपको पीरियड प्रीपोन करना है या पोस्टपोन करना है, ऐसी बहुत सी चीजों नहीं दिखाई गई है। ये हम लोगों ने द्रव्य गुण की पढ़ाई करके, उसका शीत गुण या उसका अग्नेय गुण ऐसे देख के कि इससे मेंसेस आते हैं, और या योनि व्यापद में कहीं कहीं चिकित्सा में कुछ रेमेडीज दिखाई गई है कि जिसमें अनार्तव्य कंप्लेंट है, तो वहां की रेमेडीज हम पीरियड प्रीपोन करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही है कि हॉर्मोनल थेरेपी से ये सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग पीरियड प्रीपोन या पोस्टपोन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तभी भी रहेगा, क्योंकि हम फिर से अपनी ओवुलेटरी साइकिल के साथ खिलवाड़ करते हैं उस टाइम पे भी, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। हमने देखा है कि पहले पहले की पहले जमाने की औरतें, मतलब हमारी दादी या परदादी के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि वो लोग मेंस्ट्रुअल के जो नियम होते थे, हम जो हमें बहुत श्रूड लगते थे, या जो ऐसा लगता था कि लेडीज को बहुत अस्पृश्य माना जाता है या कुछ, इतना तो हम फॉलो नहीं कर सकते। हम 4 दिन अपना सारा काम काज छोड़ के घर में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन जो हमसे बन सकता है, बहुत हेवी वर्क या ट्रेकिंग वगैरह जैसी चीजें, या बहुत बड़ा ट्रैवल जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वो तो सारी चीजें हम एटलीस्ट इस सारी बात में अवॉइड करेंगे, तो हम अपने मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि खाने पीने की चीजें भी है कि इस दौरान हम बहुत स्पाइसी ना खाएं या बाहर की चीजें ना खाएं, तो 3 दिन तो एटलीस्ट हम ये अवॉइड कर सकते हैं। बाकी पूरा महीना तो है ही कि हम जैसा हम चाहे वैसे हम सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडीज नो डाउट आप यूज कर सकती है, लेकिन वो करते हुए भी आपको बहुत ध्यान से वो सारी चीजें करनी चाहिए, और जो होम रेमेडीज है वो भी यूज करते हुए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस, आप एक्सपर्ट है ही तो आप उस हिसाब से वो स्टडी करके द्रव्य गुण का आप उसमें दे सकती है। और एक क्वेश्चन है मैम, इफ एनीवन हैज पीसीओएस देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ कंसेप्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? बेस्ट ट्रीटमेंट इज काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट्स में हम ऐसे देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि ड्यू टू स्ट्रेन, जबकि पता चलता है कि हमें पीसीओएस है या एनी हाउ वो सोनोग्राफी करती है, मेंसेस नहीं आते हैं, तो उसके उसके बाद जब पता चलता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आजकल गूगल पे या बहुत सारी जगह पे पीसीओएस ये लोगों को पता चलने लगा है। तो जैसे आप स्ट्रेस से दूर रहोगे, मैंने आपको मेरी अभी की स्पीच में बार बार ये बताया कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है सारी, मतलब वो वहां पे मिमिक करता है और उसके बाद में सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने स्ट्रेस से दूर रहेंगे या बाकी सारे स्ट्रेनस वर्क से, तो ये बहुत सारा इसमें, अगर आप देखेंगे कि पीसीओएस की तरफ कौन सा क्लास प्रोन हो रहा है, तो उसमें हमारे आईटी सेक्टर में काम करने वाली लेडीज है या काम पे जाने वाली लेडीज है,
या जो जंक फूड फास्ट फूड को प्रोन है वो ही है, तो स्ट्रेस इनसे दूर रहना चाहिए। और बेस्ट रेमेडीज आप अपने पेशेंट की सिम्टम्स को अकॉर्डिंग दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्ट दिखते ही है लेकिन उसके साथ उनको कंसीव भी हो जाता है, तो नो डाउट हर एक का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, प्रकृति अलग है। आप धीरे धीरे उसको ट्रीटमेंट में उसकी मतलब मेंसेस रिलेटेड ट्रीटमेंट ठीक करते ही उनको कंसेप्शन आराम से हो जाता है। थैंक यू मैम। वी हैव अनदर क्वेश्चन। प्लीज एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट फॉर हिमोरेजिक सीस्ट। द डॉक्टर इज एक्सपेक्टिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर हिमोरेजिक सीस्ट। हीमोरेजिक सिस्ट, मैं आपको फिर से बताऊंगी कि आप सोनोग्राफी के इम्प्रेशन के बजाय उसके कंप्लेंट अगर मुझे आप बताओगे तो बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत बड़ी सिस्ट होते हुए भी पेशेंट उससे अननोइंग होती है, उसको पता ही नहीं होता, एक्सीडेंटली वो सिस्ट पता चलती है, उसके बाद हम उसको कैटेगराइज करते हैं चॉकलेट हीमोरेजिक वगैरह। लेकिन सिस्ट अगर है तो उसमें लेखन चिकित्सा करना ज़रूरी है। आप उसमें लेखनीय गण जो कि आपको सारी द्रव्य पता है वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। वंस अगेन आपको रस धातु पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की हिस्ट्री में उसको अगर ज्वर की हिस्ट्री होगी तो वो लेके आपको रसपाचक के ऊपर रसपाचक मेडिसिन भी उसमें देना ज़रूरी है। मैंने जैसे बताया लेखनीय भी आप उसमें काम कर सकते हैं, कांचना और गुगुड़ भी, इसका भी रोल इसमें बहुत अच्छा दिखाई दिया है। और आप इसमें भी बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं। और शीत द्रव का परिषेक लोअर एब्डोमेन पे करना हिमोरेजिक सिस्ट में बहुत बेनिफिशियल होता है। There is another question from Dr. Dhananjay. He has asked your experience or opinion on Pushpa Dhanvaras. पुष्प धनवारस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अनओव्यूलेटरी साइकिल का क्वेश्चन शायद आपने ही पूछा था, तो उसमें भी आप बस्ती के बाद अगर पुष्प धनवा रस यूज करना शुरू करोगे, जैसे मेंसेस स्टॉप होते हैं उसके बाद फौरन आपको पुष्प धनवा, लेकिन पुष्प धनवा का डोज जो है वो आपको करेक्ट करना चाहिए पेशेंट के हिसाब से। और ये मेडिसिन आफ्टर फूड देने के बजाय अगर आप बिफोर फूड दोगे, दोनों भी, दोपहर के खाना और रात के खाने के बजाय, तो उसका और ज्यादा इफेक्ट उसमें आपको देखने मिलेगा। There is another question from Dr. Dhananjay. Is there Medavrut Apan in PCOS? या डेफिनेटली, क्योंकि इसका रोल जैसे हमने सिम्टम्स देखे हैं और सिम्टम्स से ज्यादा जो हमने आजकल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल देखा है, तो मेधावृत्त अपान के सिम्टम्स पीसीओएस में होते हैं। There is another question from Dr. Khan. Ayurvedic treatment for chronic cervicitis. क्रॉनिक सर्विसाइटिस, वंस अगेन क्रॉनिक सर्विसाइटिस से भी मुझे आपके सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट में कौन कौन से। पीसीओएस के सिम्टम्स भी मैंने आपको 12 सिम्टम्स बताए, लेकिन हर एक पेशेंट में वो पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स लेके आती है, तो मुझे सर्विसाइटिस के आपके पेशेंट के सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताने के लिए। मैम, आपने जैसे बताया कि अपान से रिलेटेड दृष्टि है, अपान वायु की दृष्टि है, हमारे दादी परदादी घर की सफाई करते वक्त भी नीचे बैठ के, जैसे हम उत्कट आसन बोलते हैं, उस पोजीशन में बैठ के झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, वो आजकल के फीमेल्स में नहीं करती वो है। नहीं करती, तो उस आसन का या उस क्रिया का कुछ रोल हो सकता है कि कटी होता प्रदेश में है, वात का हमने प्रकोप ज्यादा होना? बद्ध कोष्ठासन देखा या वो उत्कटासन, मैंने भी आपको बताया सूर्य नमस्कार में जो एक दो आसन है जो कि अधोदर पे काम करते हैं, तो वो सारी क्रिया जो करती थी लेडी सुबह उठने के साथ, इंक्लूडिंग हमारे महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रोज का अनाज होता था, जो हम आटा बनाते थे, तो वो होममेड चक्की होती थी पत्थर से बनी हुई, उसमें वो लेडी जो है वो पूरी झुक के दोनों साइड से दो लेडीज बैठी हुई होती थी, और वो पत्थर के वो सिलबट्टे का पत्थर जो होता था उसे वो पूरा झुक के पीस के डेली वो आटा बनता था और वो हमारी रोटी के लिए यूज किया जाता था। तो वो जो मूवमेंट है जिसमें लोअर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आता है और वहाँ पे जो सिक्रीशंस, अभी हम अगर देखेंगे तो हम मॉम जंक्शंस या ऐसी जो वेबसाइट्स आती है उस पे लोअर एब्डोमेन रिलेटेड कुछ मसाज दिए गए हुए, वो मसाज एग्जैक्टली उसी टाइप में दिए गए जैसे कि हमारी दादी परदादी वो आटा बनाने के लिए जैसे मूवमेंट्स करती थी वैसे ही। सो मैंने आपको बताया आयुर्वेद शास्त्र में बहुत हजार साल पहले ये सारी चीजें बताई गई है, और नो डाउट हमारे नानी दादी परनानी परदादी जो फॉलो करती थी
वो हमारे मेंसेस रिलेटेड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी था, इसीलिए आज की तरह उनके लाइफ में हमने कभी नहीं देखा कि एट द एज ऑफ 32 या 35 में ही उनका हिस्टेक्टोमी हो गया, या ऐसे सारे सिम्टम्स जो अभी हम देखते थे वो पहले नहीं होते थे। और सर्विसाइटिस जैसी चीजें या फाइब्रॉइड जैसी चीजें तो तभी बहुत ही ज्यादा रेयर थी। There is another question. Treatment of severe pain during menstrual cycles in a patient having endometriosis. Okay, मैंने आपको बताया अगर आपको पेन है तो आपके फिर से स्पाइसेस के डिब्बे के पास आप आ जाइए। हिंगू जो इसमें डिब्बे में होता है वो आप गर्म पानी के साथ, लेकिन उसको एक ही कंडीशन है, वो हिंग जो होता है वो घृत भर्जित होना चाहिए, जिसको घी में थोड़ा सा फ्राई करके वो घी जो है वो हाफ 1/4 टीस्पून जो है वो आप गर्म पानी के साथ उसको स्वेलो करने के लिए दीजिए। उसके अपान वंस अगेन अपान वायु के ऊपर काम होके, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में ये पेन बहुत ज्यादा होता है, सो आपको उसके ऊपर 2-3 महीने ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में, सॉरी डिसमेनोरिया में यूज होते हैं, वो आपको 3 महीने 3 कॉन्सिक्यूटिव साइकिल्स आपको यूज करना जरूरी है। वंस अगेन दशमूल अरिष्ट भी इस पे बहुत अच्छा काम करता है जो वातशामक है, इसको आप मेंसेस के बिफोर 10 डेज, मतलब अगर आपको उसकी डेट पक्का पता है तो उसके 10 दिन पहले आपको दशमूल अरिष्ट 2 टाइम शुरू करना है, सुबह शाम डायलूटेड वाटर में, और मेंसेस आते ही ये बंद करना है। 3 महीने में ही उनका पेन कम हो जाएगा। मात्रा बस्ती भी डिसमेनोरिया में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। There is another question from Dr. Kishan Gupta. What is the choice of drug for follicular cysts? Follicular cyst. फिर से उनमें कौन सा सिम्टम्स है ये देखना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुबेराक्षवटी जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हो, जिसका बहुत अच्छा रोल है। कुबेराक्षवटी है या और कोई पाचन मेडिसिन आपको उसमें और अच्छी पता होगी तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो वटी का रोल अधो उदर पे ज्यादा होना चाहिए। डॉक्टर प्रजापति की ओर से एक क्वेश्चन है, एलोपैथिक डॉक्टर्स आर डिक्लाइनिंग द यूज ऑफ गर्भपाल रस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब दिस कंट्रोवर्सी? गर्भपाल रस में ऐसे कोई कंटेंट नहीं है कि जिसको हम जिसको उन्होंने डिक्लाइन करना चाहिए। एक्चुअली गर्भपाल रस का यूज हैबिचुअल अबॉर्शन में बहुत अच्छा देखा गया है, जिसका मेरा खुद का उसके ऊपर बहुत अच्छा स्टडी, मेरे पेशेंट्स को उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो कि मैं हैबिचुअल अबॉर्शन में इंक्लूडिंग उनमें अगर आप यूज करते हैं हिपेरिन या एस्पिरिन, तो इंस्टेड ऑफ वो मेडिसिन भी अगर गर्भपाल रस कंसेप्शन से पहले ही जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, हमें पता है 3rd या 4th मंथ में ये अबॉर्शन की केसेस को प्रोन है, तो हम इनको पहले से मतलब बिफोर बेडिंग ही अगर आप गर्भपाल रस यूज करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये केसेस भी अवेलेबल है, आप डेफिनेटली गर्भपाल रस आराम से यूज कर सकते हो। मैम इसी के साथ मासोनिमासिक जो क्वाथ है या जो द्रव्य बताए गए उसका रोल क्या है पीसीओएस के ट्रीटमेंट में? डेफिनेटली पीसीओएस के ट्रीटमेंट में इसका यूज नहीं है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मेडिसिन जो है, जो कि हम बहुत सारे पेशेंट को नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास पेशेंट कंसीव होने के बाद आता है और हम उनको डायरेक्टली सेकेंड मंथ का मेडिसिन शुरू करते हैं, लेकिन अगर हमारा पेशेंट पीसीओएस की सारी सिम्टम्स से दूर हो चुका है, उसमें अनार्तव या इरेगुलर मेंसेस ऐसे सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अभी वो चांस लेना चाहता है या कंसेप्शन की ओर जा रहा है, तो आप उसको एज अ गर्भस्थापन या गर्भस्थापन गुण के हिसाब से आप उसको फर्स्ट मंथ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और मासोनिमासिक मेडिसिन इज टिपिकल मेड फॉर बच्चे की ग्रोथ के लिए और माँ की जो उस मंथ की वाइज कंडीशन होती है उसके लिए ही प्रिस्क्राइब किए गए। Which Ayurvedic medicine should be used for excessive uterine bleeding? Excessive uterine bleeding. सबसे पहले तो इसमें आपको वमन का रोल भी बहुत अच्छा होता है, लघु वमन ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यष्टि का रोल भी आप रक्त स्तंभक यूज कर सकते हैं। लोद्र है, उसके बाद सुवर्णमाक्षिक का भस्म भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और रक्त स्तंभक या जो गण बताया गया है वो भी इसमें बेनिफिशियल, शोणित स्थापन गण का यूज इसमें होता है, जिसमें कि यष्टि है, लाक्षा है और कषाय रसात्मक द्रव्य जो 10 इसमें आते हैं वो आप यूज कर सकते, इंक्लूडिंग हनी।
डॉक्टर श्याम प्रसाद जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू प्लान ट्रीटमेंट इन यंग लेडीज पेशेंट्स हु हैव पीसीओएस एंड हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड हमने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोथैलेमस को ही ट्रिगर होने के बाद ये सारी सिस्टम इम्बैलेंस होती है। सो आप इसको दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करने की बजाय आप इसको एक ही चीज़ में कैटेगराइज करिए, उसके सारे सिम्टम्स अच्छे से लिख लीजिए वो पेशेंट के, और वंस अगेन आप उसमें अगर हार्मोनल बैलेंस करना चाहते हैं तो उनके मेंसेस अच्छे से आना ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों भी चीज़ें अगर उसमें हैं तो आप कांचनार कुकुर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। प्लीज एक्सप्लेन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड। ओके, यूटेराइन फाइब्रॉइड वैसे देखा तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिम्टम्स वाइज कुछ लोगों में ये विदाउट सिम्टम होता है तो हमें क्योर करने के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन अगर उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग और लोअर एब्डोमेन पेन है, क्लॉट होता है ब्लीडिंग में से, तो थोड़ा सा ये क्रूशियल हो जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें लेखन चिकित्सा करनी पड़ती है और जैसे हम लेखन शुरू करते हैं उसका ब्लीडिंग साइड बाय साइड बढ़ते जाता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होना और ड्राउजीनेस ये सारी चीज़ें उसमें आती है, तो थोड़ा सा वो फाइब्रॉइड का साइज देख के उसकी साइड देख के ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया वैसे अधोदर के ऊपर कुछ लेप बताए गए हैं सुश्रुत संहिता में, वो आप यूज कर सकते हैं, लेखन चिकित्सा यूज कर सकते हैं, गुगुल गुगुल की जो ट्रीटमेंट है, और अनादर इसमें उत्तर बस्ती का रोल बहुत अच्छे से दिखाई देता है, तो आप उत्तर बस्ती भी फाइब्रॉइड में यूज कर सकते हैं। We have another question. How we can manage wet and stress in PCOS? Definitely. मैंने आपको बताया आपको प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन ध्यान जो बताया गया हुआ है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जिसके वर्कशॉप होते हैं सेमिनार्स होते हैं, तो एनी हाउ आपको आपकी माइंड रिलैक्स का, हर एक का जो नेचर वाइज जो सारी चीजें होती है वो अलग अलग होती है, आपको आपको खुद से ही वो ढूंढना चाहिए कि आप अपने काम में से कौन सी चीज से रिलैक्सेशन ढूंढ सकते हैं, जबकि आपका माइंड रिलैक्स होगा और वो अच्छी तरह से एक चीज पे फोकस कर सकता होगा, आप 10 मिनट का मेडिटेशन म्यूजिक लगा के डीप ब्रीथ भी कर सकते हो या टिपिकल किसी मेडिटेशन के कोर्स अंडर वो सीख के प्रॉपर आप वो विजुअलाइज और ये करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, इट्स चॉइस इज योर्स, लेकिन इसमें माइंड रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर से हम अगर देखेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस कॉर्टिसोल का जो रोल होता है इसमें वो बहुत ज्यादा है, सो आपका माइंड रिलैक्स होना ही चाहिए, स्ट्रेनस वर्क इसके अंदर आपको अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि माइंड बहुत मैटर करता है पीसीओएस में। डॉक्टर ईशा अनी जी का और एक क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ फॉलिकुलर ट्यूब ब्लॉकेज। मैंने बताया आपको उत्तर बस्ती जो कि हमारे आयुर्वेद का वरदान है हम जैसे डॉक्टरों के लिए, तो उत्तर बस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, बहुत सारी पेशेंट में इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दिया है, बहुत अलग अलग तेल हमारे ग्रंथों में वर्णन किए गए हैं, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से हम वो तेल यूज करते हैं डायरेक्टली वो फैलोपियन ट्यूब्स तक जाने के लिए, उत्तर बस्ती में जैसा हम जो प्रोसीजर होती है तो उत्तर बस्ती का रोल 3 कॉन्सिक्यूटिव साइकिल कभी कभी ट्यूब ब्लॉकेजेस के लिए हमें करना पड़ता है, एक सिंगल सेटिंग्स में इसका इतना इसमें से इतना रिलीफ हमें नहीं देखा गया है, लेकिन उत्तर बस्ती ये ही ट्रीटमेंट ट्यूबल ब्लॉक के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर नूर मोहम्मद जी का और एक क्वेश्चन है, हाउ मच आर द चांसेस फॉर प्रेगनेंसी इन एंडोमेट्रियोसिस केसेस। आप चांसेस मैं परसेंटेज वाइज नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर हम सारी सिम्टम्स इसमें से कवर अप करते हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रहती ही है। एंडोमेट्रियोसिस का जो इम्प्रेशन जैसे हम पढ़ते हैं बुक्स में या कहीं और पे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ ही लेके जाती है और ये सारी चीज़ें, लेकिन हर टाइम पे ऐसे नहीं होता है। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक रेमेडीज पंचकर्म इसमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वंस अगेन सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन ये 4 चीजें भी इसमें बहुत ही ज्यादा यूज मस्ट करना ही चाहिए, इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, कंबाइन इफेक्ट, एक ही आप सिर्फ मेडिसिन दोगे और एंडोमेट्रियोसिस को कम करोगे ऐसे नहीं होगा, आपको इसमें पंचकर्म करना भी बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन पीसीओएस आफ्टर हैविंग फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी।
नहीं, कुछ भी नहीं। सिस्ट कौन सी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कभी कभी हमने देखा है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसके ओवरी में सिस्ट है, वो कंसेप्ट कंसेप्शन होता है, पीरियड मिस होता है, वो डॉक्टर के पास जाती है। जैसे हम पहला सोनोग्राफी के लिए उनको बोलते हैं, तब विथ कंसेप्शस हमें एक सिस्ट भी दिखाई देती है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं इस सारी दौरान 9 महीने, तो वो सिस्ट के साथ ही प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो जाती है। बहुत सारी केसेस में हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी हार्डली किसी केसेस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सिस्ट का प्रेशर अगर यूट्रस के ऊपर आए तो कभी कभार मिसकैरेजेस होने की संभावना भी इसमें हो सकती है, नो डाउट। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऑफ अ पेशेंट हु आर हैविंग हिमोरेजिक सिस्ट व्हाइल दे आर ऑन फीडिंग, और मतलब लैक्टेटिंग मदर में अगर हिमोरेजिक सिस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, हिमोरेजिक सिस्ट का दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लैक्टेटिंग मदर को, क्योंकि क्या होता है कि लैक्टेटिंग मदर की जो फेज है जिसमें नेचुरल अमेनोरिया बताया गया है, लेकिन आजकल के सिनारियों में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली शुरू रहती ही है। और इस दरम्यान अगर उसे कोई हिमोरेजिक सिस्ट होता है तो आयुर्वेदिक रेमेडीज आप नो डाउट इसमें यूज कीजिए, क्योंकि इसमें फिर से हम जो ट्रीटमेंट देते हैं लेखन चिकित्सा वगैरह, वो लैक्टेटिंग मदर के मेमोरी ग्लैंड्स पे अफेक्ट करती है और वो मिल्क सिक्रेशन कम कर देती है। और एक इसमें होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो थोड़ा सा यूट्रस का सप्लाई, यूट्रा जो ब्लड सप्लाई रहता है वहाँ पे, वो भी हैम्पर होते रहता है, तो सिस्ट में थोड़े से ट्रिगर आना उस दरम्यान बनता है। तो जो सिम्टम्स है उसके, वो आप उसको दे सकते हो। बेबी के एज वाइज भी अगर आप लैक्टेटिंग टेपर ऑफ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ताकि आप अगर वो सिस्ट ज्यादा अफेक्ट करे तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकोगे। डॉक्टर ऋतुराज वर्मा जी का एक क्वेश्चन है, आफ्टर हिस्टेक्टॉमी वेट गेन ज़्यादा होता है तो उसकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए? हिस्टेक्टोमी में ऐसा होता है कि यूट्रस जो है वो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड होता है, आप वहाँ से एक ऑर्गन निकाल देते हो, सो वहाँ पे वात घूमने के लिए जो शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने देखा आवृत्त वात, वहाँ पे फिर से जो है वो कंसेप्ट आप वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद फिर से जो नेचुरल मंथ का जो काम होता है, वो सारी ग्लैंड्स का, वो वहाँ पे हैम्पर होता है, तो उसमें से वेट गेन ये एक होता है। और एक बात हमने देखी है कि ऑपरेशन होने के बाद जो कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कही गई है, तो वो जो लेडीज होती है वो डर की वजह से अपना एक्सरसाइज या काम भी कम कर देती है। तो वंस अगेन इसमें आपको सूर्य नमस्कार बेनिफिशियल रहेंगे। और आफ्टर हिस्टेक्टोमी उनमें अगर आप बस्ती प्लान करते हो, क्योंकि जैसे हम ध्यान मीनार एज पे देते हैं या कंसेप्शस एज पे देते हैं, उसी उसके जैसा ही ध्यान हम मेनोपॉज पे नहीं देते, क्योंकि, और मेरा ऐसा कहना है कि मेनोपॉज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारी साइकिल जो होती है वो बंद होने वाली रहती है, बहुत सारे चेंजेस उस लेडीज में आने वाले रहते हैं। और लेडीज एक ऐसा ये होता है कि बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ही खुद ग्रांटेड ली होती है अपने बॉडी से रिलेटेड, तो अगर आफ्टर हिस्टेक्टोमी अगर हम उसमें बस्ती चिकित्सा करते हैं तो वो वात को सुधारने का काम करती है। और ये जो सारी चीजें हैं उनमें मूड स्विंग्स होना या बहुत फास्ट वेट गेन होना या बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ना, ये सारी चीजें हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को आंसर किया। मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर्स के क्वेश्चन है कि पीसीओडी में वेट कंट्रोल कैसे करें और डाइट क्या होना चाहिए और योगासन्स क्या होने चाहिए और एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए। नो डाउट पीसीओएस में वेट गेन करना ये किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ही वेट कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत हाँ, सारे डॉक्टर्स के तो क्वेश्चन उसके है। लिए आप सबसे पहले डाइट तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला डाइट वो पेशेंट ने लेना चाहिए, जिसमें कुछ होम रेमेडीज भी है, कुछ इन्फ्यूज वाटर होते हैं जो टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकालते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक आहार जो बताया गया हुआ है, जो एक रजस वाला का होना चाहिए, जो या उस लेडीज का जो कन्या या माता इस फेज में जो आयुर्वेद में डाइट दिया गया हुआ है, वो उस लेडी का होना चाहिए। और सब में अच्छा योगासन हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि योगासन जो मैंने पहले ही बताया लोअर अपडोमेन को ट्रिगर करते हैं, तो थोड़ा सा वेट बैलेंस करना इसमें इजी हो जाता है। सूर्य नमस्कार आप इसमें करना ही चाहिए। पश्चिमोत्तानासन है, वज्रासन है,
उसके बाद बद्ध कोष्ठासन है, पद्मासन, ये सारे आसन उसमें इफेक्टिवली काम करते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स में पथ्य क्या होना चाहिए? फिर से बहुत ज़्यादा स्पाइसी या जिसमें नमक ज़्यादा है ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ऑयली चीज़ें जो कि नहीं खानी जानी चाहिए, बहुत मीठी चीज़ें, मधुर रस। लेकिन मधुर रस को भी अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदिक दृष्टा जो मधुर रस बताया गया वो नहीं। आजकल जो हमें इजीली अवेलेबल है, ब्रेड, बिस्किट्स या पेस्ट्रीज, ऐसी चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंटली आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू। ओके, थैंक यू।